करके खेलता हूँ। ये सब झूठे मैं बोलता हूँ। उनको छोड़ना पड़ा हमको वो टाइम पे, और मैंने जितना देखा था, मैं जॉब मतलब मैं वो टाइम पे प्लेयर ढूंढ रहा था और हमारी टीम छोटी थी, तो आपको भी पता है कि कम्युनिटी में ऐसा है कि छोटी टीम में कोई आना नहीं चाहता है। वो टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स थी, तो हर बंदे का एक सपना रहता है कि मुझे बड़ी टीम ही ज्वाइन करनी है जो अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रही है। तो फिर हाँ, वो टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार देखो बड़ी टीम का कोई प्लेयर तो मेरे टीम पे नहीं आने वाला है, तो मैंने थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि यार देखो चलो फाइनल में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग फाइनल में क्वालिफाई किए, और वो लोग कहीं ना कहीं पे स्टिक करेंगे, और जो लोग स्टिक नहीं करेंगे वो कोई किसी बड़ी टीम में जाएंगे अगर अच्छा खेलते। तो मैंने टारगेट किया, मैं सोचा कि सेमीफाइनल के टीम्स देखता हूँ कौन अच्छा, कौन से दो प्लेयर अच्छे खेलते हैं। तब मैंने देखा कि ये जोनाथन को देखा मैंने, अकेला पहले जा रहा था मतलब सेमीफाइनल्स में भी, मतलब बहुत अच्छा मारा था इसने, मतलब एक बोल सकते हो कि वन मैन डोमिनेट कर रहा था वो पूरी टीम से। तो मैंने जोनाथन को कॉल किया, जोनाथन को बोला मैंने एक ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तू आ जा। तो वो टाइम पे वो आया और हर चीज में वो परफेक्ट था। वो मुझे जितना अभी भी याद है, वो मतलब नया नया जायरो स्टार्ट किया था खेलना, बस थोड़ा सा गेम सेंस का प्रॉब्लम था, बाकी तो जिधर बंदा दिखता था वो पहले जाता था, पहले जाता था। और बाकी फिर हम मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा बन गया था वो टाइम पे कि आपने तो वो देखा है, मतलब एक सच में ड्रीम रन था हमारे लिए, मतलब हर स्क्रीम्स में डोमिनेट करना, हर टूर्नामेंट में मारना। अगर हम लोग हारते भी थे तो अच्छे खासे मतलब किल्स लेके, मतलब अच्छा खासा डोमिनेट करके हारते थे, right. तो वो ऑडियंस को भी अच्छा लगता था, बिल्कुल यस, ऑडियंस को भी अच्छा लगता था कि यार हाँ ये बंदे मतलब मार मार के खेल रहे, तो उनको देखने में मजा आता था, वन मैन डोमिनेशन वाला फैक्टर था। ऑल्दो हमें पता है TSM एक ऐसी टीम रही है जिसमें कोई भी प्लेयर कभी भी यू नो परफॉर्म कर जाता था, और टीम को अल्टीमेटली जो उनका जिताने का गोल है वो कोई भी प्लेयर कभी भी कर सकता है। बट जब भी हम लोग टूर्नामेंट्स पे जाते हैं पे एक नाम रहता है जोनाथन, कि जोनाथन तो मारेगा चाहे उस टूर्नामेंट में कुछ भी हो रहा हो। तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो कि सब लोग जो चाहते हैं कि जोनाथन परफॉर्म करे? हाँ तो मतलब ऐसा है ना, मतलब लाइक कोई भी टूर्नामेंट में मैं चांस बिल्कुल नहीं देखता हूँ। फिलहाल मेरा वही माइंडसेट से रहता हूँ, भाई मारना है मतलब सबको मारना है, मेरे वो माइंडसेट से खेलता हूँ। ये सब झूठे मैं बोलता हूँ, जब अच्छा खेलते हैं तो सबसे पहला हाथ मोबाइल की तरफ जाता है, या फिर हाँ वो टाइम जोनाथन ओपी देख रहे हैं ना चैट में, जोनी ओपी देख रहे हैं, वो सब है। देखो टाइम पे तो है, मतलब जब भी मैं कुछ लाइक 16 किल मार दिया था वो टाइम पे, मतलब PMIS में, तो वो टाइम पे मैं पहला खोला चैट, क्या चल रहा है चैट में, पहला देखना है चैट में क्या लिख रहे हो, तो देखा तो भाई फुल जॉनी ओपी गॉड और मतलब ओके ठीक है। तो फिर वहां से, और जब भी मैं लाइक थोड़ा जल्दी मर जाता वो टाइम पे चैट